पहले लंदन में आजकल अमेरिका में जाकर के भारत के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, और अगर मैं कहूं कि भारत के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में ये जो सत्ता वियोग का प्रलाप कर रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर की धरती से उसकी कड़ी से कड़ी आलोचना भी करता हूं और उनको कहना चाहता हूं कि अगर उनको कुछ कहना कोई भारत का लाभ, देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सत्ता में होता है और जो विपक्ष में होता है उसकी जिम्मेदारियां, सत्ता में जो व्यक्ति होता है जो हमारी उपलब्धियां उसको बताते हैं और जो विपक्ष में होता है जो कमियां हमारी है उसको वो उजागर करे, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान है, उसका स्थान विरोध करने का अमेरिका नहीं है, उसका विक्रेन नहीं है। भारत के बाहर जब हम जाते हैं तो हम पहले भारतीय हैं तब किसी पार्टी के होते, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने परिवार तंत्र को ही लोकतंत्र माना कि अगर गांधी खानदान का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए तब देश में लोकतंत्र है, भले आपातकाल लगाने का अपराध के नाम से दर्ज हो, देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने का आरोप उनके जो लगा हुआ है उससे वो कभी अलग बाहर नहीं हो सकते। और जिन श्री राहुल गांधी जी की देखरेख में 10 वर्ष श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में देश की सरकार चली थी, आप में से तमाम लोग यहाँ हमारे जिले के भी बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, जिस अमेरिका का राष्ट्रपति स्वयं भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की चर्चा करते हुए आपको ग्राफ मान रहा हो, अगर उस अमेरिका में जाकर के श्री राहुल गांधी जी उस उन्हीं प्रधानमंत्री के खिलाफ, उन्हीं जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश के खिलाफ, जिस विचारधारा के कारण भारत आज विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है उसके खिलाफ बोलेगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देश तो हंसी रहा है, अमेरिकी भी हंस रहे होंगे, हम हंस रहे होंगे। तो आज जो परिस्थिति है वह यह बन गई है कि सारे विरोधी एक हो जाओ नहीं तो मोदी आ जाए, फिर से मोदी आ जाए, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है कि यह विरोधी एक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि गरीब की भलाई हो जाए, किसान की भलाई हो जाए, देश का प्रदेश का विकास हो जाए, या इसलिए सब एक हो रहे हैं कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो देश के साथ बेईमानी किया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।